देखते हैं कि मुस्लिम वोट जो है खिसक जाएगा ओबीसी के आने से? समीकरण बहुत बदलने वाला है। आज तक भी ओबीसी जहां भी कूदे हैं चुनाव में, उसने समीकरण बदल दिए हैं, क्योंकि बोलने के मामले में ब्रिलियंट भी है, प्रभाव भी है, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया है। तो आज तक जहां भी उसने चुनाव लड़ा है उनकी सीटें जरूर आई हैं। मैं किसी भी क्षेत्र में मुसलमानों का किसी भी प्रकार का विकास कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं हुआ। बिना मुस्लिम वोटों के इतनी तगड़ी जीत ना योगी की हो सकती थी और ना मोदी की हो सकती थी। इसका सबूत है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या विकास किया है? वास्तविकता यह है, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 सालों से लगातार मुसलमानों का मिसयूज किया है। पूरे बुद्धू बना करके उनके पूरे के पूरे वोट तो लिए हैं, परंतु उनके शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके रोजगार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में मुसलमानों का किसी भी प्रकार का विकास कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं हुआ। शुद्ध शुद्ध कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में मुसलमानों का शोषण ही किया है, और मुसलमान लोग ऐसा मान के चलते रहे कि वास्तव में हमारी हितैषी कोई पार्टी है तो वह है कांग्रेस पार्टी है, अपने भोलेपन के कारण। क्योंकि साक्षरता दर अगर किसी जाति में भारत में सबसे कम है तो वह मुस्लिमों में है, तो वह अपने भोलेपन के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण पिछले 60 सालों से वह कांग्रेस पार्टी को अपना हितैषी मानते रहे, और कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों का शोषण करती रही। कुछ भी मुसलमानों को उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, और वास्तविकता यह है जो कुछ भी मुसलमानों का विकास हुआ या जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कुछ भी हुआ, आज एक सामान्य गरीब मुस्लिम भी दिल के साथ अपनी बात रख सकता है, यह संभव हो पा रहा है आज़ादी से लेके आज तक के समय में, तो मोदी के समय में। और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के वोट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलते, बहुत वोट मोदी जी को, योगी जी को भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मिले हैं। बिना मुस्लिम वोटों के इतनी तगड़ी जीत ना योगी की हो सकती थी और ना मोदी की हो सकती थी। बिल्कुल देवबंद में, और कितने बढ़िया तरीके से जीत हुई, बहुत अंतर से जीत हुई। अपने आप सिद्ध हो जाता है कि मुसलमानों के बहुत वोट योगी को भी मिले हैं विधानसभा में, और लोकसभा में मोदी को भी मिले हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कोई मुसलमान लीडर मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी और आज के जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टी हैं वो उसको जो है बीजेपी का दलाल कह करके जो है क्यों शर्मिंदा करते हैं? हाँ, सबसे पहले हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं। पिछले 1.5 सालों से लोगों को इंटरव्यू देते हैं तो लोगों ने घोषणा कर दी कि है तो बीजेपी का दल्ला है जैन, इसको बीजेपी से लाखों करोड़ों रुपया मिला है। तो वास्तविकता यह है, किसी भी पार्टी का जो अच्छा नेता है, जो देश के हित में निर्णय लेता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, तो उसको तो बिना पार्टी वाला व्यक्ति भी उसकी प्रशंसा कर सकता है, वह किसी भी पार्टी का हो उसकी प्रशंसा कर सकता है। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में कोई व्यक्ति किसी पार्टी के ईमानदार नेता की प्रशंसा करता है तो चार लोग घोषणा कर देते हैं कि फलाना व्यक्ति तो उसी पार्टी का दल्ला है, उसी पार्टी का चमचा है, और यह तो उसी पार्टी का है। यह गलत बात है, मगर फिर भी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को इन छोटी छोटी बातों से भयभीत नहीं होना चाहिए। उसको संघर्षरत रह के अपनी ईमानदारी और सत्य पर चल करके और अच्छे लोगों का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। आज के वक्त में कांग्रेस के कोई भी लीडर आपको ज़मीन पर नहीं दिखेगा, वहीं पर जो ओबीसी की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, वो ज़मीन पर मेहनत करती है। जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो वो ठिकरा जो है ओबीसी पर जो है फोड़ती है कि देखो ओबीसी आया जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जबकि वास्तविकता यह है ओबीसी जो भी करते हैं वो अपनी पार्टी के लिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी पार्टी अब जिले से उभर के स्टेट तक, स्टेट से लेके पूरे नेशन राष्ट्र तक सभी राज्यों में फैले। और भारत का इतिहास गवाह है, आज तक कोई पार्टी डायरेक्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल पाई, क्रम क्रम से ही होता है। तो वह भी व्यक्ति देखो, उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, वास्तव में उनकी 6-8 सीटें आईं, जहाँ भी करते उनकी सीट आती हैं। कितना टक्कर वहाँ पर तेलंगाना में चुनाव के दौरान जो एमसीडी के थे या जो भी वहाँ पर पारसा दादी के जो भी चुनाव थे वहाँ पर, वहाँ बहुत अच्छी सीटें उनकी आईं। तो वो आगे आगे भी अपने अन्य राज्यों में भी फैलाना चाहते हैं, तो वह अपनी पार्टी के विस्तार के लिए करते हैं। और ईर्ष्या करने वाले लोग कहते हैं तो बीजेपी की ओबीसी से सेटिंग है, क्योंकि ओबीसी जहाँ से लड़ता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। ओबीसी भी इसके बारे में कहते हैं कि किसी दूसरे के हमें इससे क्या लेना, उनको ऐसा लगता है हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, साथ में किसी और का होता है तो हम इसकी चिंता क्यों करें।
हम परवाह क्यों करें, उनका होता है, हम अपने लिए करते हैं, ऐसा बयान ओबीसी ने भी कई बार दिया है और वास्तविकता यही है, वह अपनी पार्टी के लिए करते हैं, उनको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपना नाकामी छुपाती है? शुरू से उनकी विशेषता है, आज कांग्रेस के अलावा भी जितनी पार्टियाँ हैं, जितनी भी पार्टियाँ लोग क्या करते हैं, जो भी उनको सफलता मिलती है उसका श्रेय वह स्वयं ले लेते हैं, और दुर्भाग्य से या उनकी बदकिस्मती से, उनकी अज्ञानता से या उनकी उनके पुरुषार्थ की कमी से, उनके पुरुषार्थ की कमी के कारण जो भी क्षति पहुंचती है, जो घटना घटती है, सबका सब वह मोदी के ऊपर छोड़ देते हैं कि यह सब तो मोदी ने करा दिया, जो कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय वह स्वयं ले लेते हैं, और कुछ घटना होती है तो वह सबके सब कहते हैं तो मोदी ने करवा दिया। अखिलेश के राज में ओवैसी को 12 मरतबा, ओवैसी ने बयान दिया है कि 12 मरतबा जो है अखिलेश के राज में हमें उत्तर प्रदेश में आने से रोका है, वहीं पर मोदी के राज में ओवैसी आप पहुँच गए, अपना जो भी रैली वगैरह करना था अपना करके वापस चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इससे अखिलेश यादव डरता है ओवैसी से? हाँ, अब एक बात सुनने की बात है, यहाँ पर यहाँ अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, सिद्ध दो प्रकार से व्यक्ति सोच सकते हैं कि देखो निश्चित रूप से ओबीसी की मोदी से सेटिंग है, इसलिए वह बड़ी आज़ादी और बड़ी स्वतंत्रता के साथ वहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके अपना प्रचार प्रसार कर लेता है। ऐसा भी लोग कह सकते हैं कि वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उनकी आपस में सेटिंग है ओबीसी और मोदी की, एक तो यह भी सोच हो सकता है, परंतु वास्तविकता यही है, मोदी जैसे नेता, योगी जैसे नेता, वह भारत के प्रत्येक नागरिक के हित में जो कुछ सोचते हैं प्रत्येक नागरिक के हित में सोचते हैं, उनके यहाँ पर एक गरीब को भी वही आज़ादी है जो एक खरबपति को जो आज़ादी है, इस कारण से ओबीसी कर पा रहा है, और अखिलेश के समय में वही व्यक्ति कर पाते थे जो उनकी पार्टी से संबंधित थे, जो उनके सपोर्टर थे, बस यही अंतर है। अच्छा, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव को डर है कहीं ना कहीं कि मुस्लिम वोट जो है खिसक जाएगा ओबीसी के आने से? समीकरण बहुत बदलने वाला है, आज तक भी ओबीसी जहाँ भी कूदे हैं चुनाव में उसने समीकरण बदल दिए हैं, क्योंकि बोलने के मामले में ब्रिलियंट भी है, प्रभाव भी है, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया है, तो आज तक जहाँ भी उसने चुनाव लड़ा है उनकी सीटें जरूर आई हैं, तो यहाँ के भी समीकरण बदलने वाले। ओबीसी इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि बीजेपी को फ़ायदा हो, ओबीसी अपनी पार्टी के फायदे को लड़ता है, लोग क्या जाने सीता माता और राम के बारे में, विश्व के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा निर्विवाद और निष्कलंक व्यक्तित्व यदि कोई है पूरे विश्व में तो रामचंद्र जी, अगर पूरे विश्व के लोगों के 7.5 अरब जनसंख्या के लोगों के हृदय को चीरा जाए, हम डंके की चोट पर यह घोषणा कर सकते हैं 95% सीनों में भगवान राम मिलेंगे आपको, ऐसा निर्विवाद व्यक्तित्व, उनका नाम तो देखो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रात के 2 बजे भी भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान रात के 2 बजे भी अगर किसी जीव जंतु के भी कराहने की आवाज़ आ गई तो अपनी निद्रा को छोड़कर के रात के 2 बजे उस जीव का उन्होंने दुख दूर किया, पूरा जीवन उन्होंने दूसरों को सुख प्रदान करने में लगा दिया, अपने खुद के सुखों को दांव पर लगा करके दूसरों का दुख दूर करने में लगा दिया, ऐसे भगवान राम उनको कौन पसंद नहीं करेगा, तभी देखो आप किन किन के नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु रामचंद्र जी के आगे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि उन्होंने अपना समग्र जीवन लोगों के दुख दूर करने में लगाया, अपने सुखों का बलिदान करके दूसरों का दुख दूर करने में और दूसरों को सुख प्रदान करने में, ऐसे भगवान श्री राम को कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी निंदा करेगा, मूर्ख होगा, दुर्भाग्यशाली होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे हमारे साथ थे जैन साहब, इन्होंने अपने राय रखी, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।